टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने फ़ोन की स्पेस कैसे खाली कर सकते हैं। काफ़ी हद तक जो कुछ फाइल्स होती हैं हमारे फ़ोन में और जो इमेज बना के हमारे फोल्डर के अंदर फ़ोन मेमोरी के अंदर सेटल हो जाती हैं, वो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगा और बताऊँगा। उनको आप डिलीट कर सकते हैं और उससे आपकी काफ़ी स्पेस बचेगी। जैसे कि अब इसको करने के लिए हमें फाइल मैनेजर में जाना पड़ेगा। जैसे कि मेरा फ़ोन रेडमी फ़ोन है, आप इसमें जाएंगे फाइल मैनेजर, आपको सारे फ़ोनों मिल जाएगा। इसमें आपको हिडन फाइल्स को अनहाइड करना पड़ेगा। सेटिंग्स में जाइए, मेरे में पहले पे शो है, हिडन फाइल्स का शो में लगा हुआ है बटन, तो आप लोगों के में अगर ना हो तो आप ऑन कर लीजिए। और ऑन होने के बाद आप लोग यहाँ जाइए और एक फ़ोल्डर आपको नेम मिलेगा DCIM, ये आपको अनहाइड करने के बाद ही मिलेगा फ़ोल्डर, क्योंकि हिडन होता है। आप DCIM में जाइए, आपको डॉट थंबनेल नाम का एक फोल्डर होगा, इसके अंदर ट्रैश भरा रहता है जो कि आप कोई क्लीनर भी डिलीट नहीं करता है। जैसे कि आप इसका स्पेस देखेंगे तो कितना मिलेगा, डिटेल्स में गए हम तो इसका साइज 43.71 MB है, जो काफ़ी ज़्यादा है। और मैंने अभी रिसेंटली अभी 3-4 घंटे पहले ही इसको क्लीन किया था, तो अभी 3-4 घंटे पहले ही मैंने इसे क्लीन किया था, तो अभी कम है ट्रैश। और आप अपने में देखेंगे आपके में बहुत ज़्यादा ट्रैश मिलेगा, तो आप इसे हटा सकते हैं। जैसे कि अभी आपको एक एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, अभी मैं क्लीनर में जाके इसको क्लीन करता हूँ, ये क्लीनर भी क्लीन नहीं कर पाता ऐसे। जैसे कि मैं इसमें क्लीनर में जा रहा हूँ, ये रेडमी वालों ने इसी में प्री इंस्टॉल्ड क्लीनर है और इसे मैंने स्कैन किया है। देखिए 268 MB बताया है, जो कि क्लीन कर देगा ये अभी, लेकिन वो डीसी वो जो थंबनेल्स के अंदर जो डेटा है उसे डिलीट नहीं कर पाएगा, उसके लिए आप वहाँ जाके डिलीट कर सकते हैं। तो ये देखिए हमने इसे पूरा क्लीन कर दिया है, लेकिन अब हम जाके देखेंगे फाइल्स की डिलीट हुई कि नहीं। हम फिर से गए अपने फाइल मैनेजर में, हम DCIM फोल्डर में गए, डॉट थंबनेल, देखिए डिलीट नहीं हुआ है कुछ भी, तो अब हम इसे यहीं से डिलीट कर सकते हैं। तो गाइस आप इससे अपनी काफ़ी सारी स्पेस बचा सकते हैं फ़ोन की। ये थी एक ट्रिक जो कि आप यूज़ करके अपने फ़ोन का स्पेस बचा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।